नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कप्तान लसिथ मलिंगा ने T20 विश्व कप के बाद संन्यास लेने के अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि वो कम से कम अगले 2 सालों तक क्रिकेट खेल सकते हैं। इससे पहले मार्च में उन्होंने कहा था कि वो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई टीम में सब कुछ ठीक होने में 2-3 साल लग सकते हैं। मलिंगा अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले अकेले गेंदबाज हैं। एक प्रमुख क्रिकेट वेबसाइट से बातचीत के दौरान मलिंगा ने कहा, श्रीलंकाई बोर्ड ने मुझे विश्व कप तक के लिए नेतृत्व करने के बारे में कहा था, लेकिन आगे को लेकर आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। T20 में 4 ओवर करने होते हैं और अपनी क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि एक गेंदबाज के रूप में मैं T20 खेलना जारी रख सकता हूं। क्योंकि मैं दुनिया में काफी ज्यादा T20 मैच खेल चुका हूं, तो मुझे लगता है कि बतौर कप्तान मैं अगले 2 सालों के लिए खेल सकता हूं। आगे उन्होंने कहा, श्रीलंका कुशल गेंदबाजों की कमी से जूझ रहा है, उनके पास निरंतरता की कमी है। हम 1 साल या 1.5 साल में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। अपनी कप्तानी के बारे में अनिश्चितता जताते हुए उन्होंने कहा, किसी भी काम के लिए निरंतरता बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि जो कोई भी अगला चयन कर रहा है उसे ये बात समझनी होगी कि लोगों को सिखाने के लिए वहां रहना जरूरी है। अगर आप बेंच पर हैं तो कोई नहीं सीख सकता। उन्होंने कहा, अगर मुझे भरोसा है कि मैं युवाओं को कुछ दे सकता हूं तो मेरा वहां होना जरूरी है। मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन वहां रहकर मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि यही वो तरीका है जिस पर आप काम करेंगे, लेकिन अगर मैं नहीं खेलता हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोबारा कप्तान बनने के बाद मलिंगा के नेतृत्व में खेले आखिरी 10 T20 मैचों में से श्रीलंका को 1 मैच में जीत और 8 में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 1 मैच टाई रहा। वहीं अगर मलिंगा के करियर की बात करें तो मलिंगा ने 30 टेस्ट मैचों में 101 विकेट, 226 वनडे मैचों में 338 विकेट और 79 T20 मैचों में 106 विकेट लिए हैं। ये तीनों फॉर्मेट्स में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र गेंदबाज हैं।